रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप। आज हम आपको आलू और सेम बनाने सिखाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में एक कप ऑयल लेंगे। आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसे गर्म कर लेंगे, गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें एक टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक कि क्रैकल होता है। तो देखिए ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट करके डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा डार्क ब्राउन। ज़्यादा तेज कलर नहीं देना है हमने। तो देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। इसमें दो दरमियाने साइज़ के टमाटर रफली कट करके डाल देंगे। एक टेबल स्पून कुटी मिर्च, एक टेबल स्पून पीसी मिर्च, दो टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून नमक, नमक आप अपने मर्जी के मुताबिक ले लीजिएगा, एक तेज़पात, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये एक किलो आलू है, मैंने इसे छील कर नॉर्मल साइज़ का कट कर लिया है और इसे धोकर ये शामिल कर देंगे। आधा किलो सेम की फलियाँ हैं, इसे मैंने अच्छे से काट कर वॉश कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और इसकी भुनाई कर लेंगे 5 मिनट तक, जब तक कि मसाला भुन नहीं जाता हमारा। चलाते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी शामिल करेंगे, पानी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको। आठ हरी मिर्चें बारीक काट कर ये डाल देंगे इसमें। अब इसे कवर करके 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखें ये रेडी है, बन चुका है, चेक कर लेंगे। तो ये 20 मिनट में अच्छे से टेंडर हो जाते हैं। अब इसमें एक हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर शामिल करेंगे, मैंगो पाउडर, पीसी कढ़ाई, ये शामिल कर देंगे। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म आलू फली सेम की फली बन करके तैयार है। ये देख सकते हैं आप, गर्मा गर्म बहुत मज़ेदार बनी है ये। इसे आप पराठा के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।